ग्रेटर कैलाश, सैनिक कॉलोनी, गंगियाल और छन्नी हिम्मत, चार थाने। और अगर आप ये बीच वाला रास्ता पकड़ लें, सत्यम वाला, इस रास्ते से आप सीधा त्रिकुटा नगर थाने पहुंच जाते हैं। आप इस जगह पर आए, ये जगह बड़ी मशहूर है, यहाँ भैरवनाथ की आइसक्रीम आपको मिलती है, पाव भाजी वाला, भेलपूड़ी वाला, डोसा पॉइंट और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल आपको यहाँ पर मिलते हैं। गोलगप्पे का स्टॉल भी यहाँ लगा हुआ है। लेकिन अगर आप गाड़ी लेकर आए तो अपनी गाड़ी के आसपास ही खड़े रहिएगा, ज़्यादा गाड़ी से दूर जाने की ज़रूरत नहीं। उसका कारण ये है कि ये वो जगह है जिस जगह पर अगर चोर आकर आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ दे और गाड़ी का शीशा तोड़कर आपका सामान लेकर रफू चक्कर हो जाए, तो उसके बाद आपकी FIR कौन लिखेगा वो जम्मू पुलिस में आधिकारिक तौर पर कोई भी नहीं जानता। यानी ये वो इलाका है जिस इलाके को आप नो मैंस लैंड कह सकते हो, यानी ये इलाका किसी की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। न ये छन्नी थाने की ज्यूरिसडिक्शन है, न ये गंगियाल वाले की ज्यूरिसडिक्शन है, न ये ग्रेटर कैलाश वालों की ज्यूरिसडिक्शन है, और ना ही ये सैनिक कॉलोनी वालों की ज्यूरिसडिक्शन है, और ना ही ये त्रिकुटा नगर वाले थाने की ज्यूरिसडिक्शन है। ये किसी की ज्यूरिसडिक्शन में ये इलाका नहीं है। और ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, यहीं पर मेडिसिटी एक कंपनी है, उसके साथ काम करने वाले दो कर्मचारी हैं, प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने भी बिल्कुल यहीं पर अपनी गाड़ी रोकी थी और पाव भाजी खाने के लिए उतरे। चोर भाई साहब आए, उन्होंने गाड़ी का ये वाला शीशा उनका तोड़ा, और गाड़ी का ये शीशा तोड़ने के बाद जो गाड़ी के अंदर लैपटॉप और अन्य सामान, अन्य चीज़ें पड़ी हुई थी, वो तमाम चीज़ें लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। चोर जब रफू चक्कर हो गए, भाई साहब पाव भाजी खाकर वापस आए, उन्हें पता चला कि उनकी गाड़ी में से चोरी हुई है, तो भाई साहब ने कहा शिकायत करते हैं। भाई साहब ग्रेटर कैलाश थाने पहुंचे, शिकायत ग्रेटर कैलाश वालों ने ली नहीं। भाई साहब छन्नी थाने पहुंचे, छन्नी थाने वालों ने शिकायत ली नहीं। सब ने कहा यह हमारी ज्यूरिसडिक्शन में इलाका आता ही नहीं। और कमाल की बात तो यह हो गई कि सुबह अलग अलग थानों के 2-3 ऑफिसर यहां पहुंचे, ठीक इसी स्पॉट के ऊपर आपस में झगड़ पड़े, किस बात के ऊपर कि भाई ये ज्यूरिसडिक्शन किसकी है। और यह मैं नहीं बता रहा, वरिष्ठ पत्रकार सुबह यहां पर खड़े थे और उनके सामने के दृश्य हैं कि यहां पुलिस वाले आपस में लड़ गए इस बात के ऊपर कि ये इलाका किसकी ज्यूरिसडिक्शन है। उसके बाद रिलक्टेंटली जो मेडिसिटी के कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि बड़ा रिलक्टेंटली छन्नी हिम्मत थाने ने इस मामले में शिकायत दर्ज की, और शिकायत दर्ज करने के बाद पड़ताल शुरू की है। मगर ये बात कंप्लेनेंट को, शिकायतकर्ता को बता दी गई कि भाई ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन में इलाका है नहीं, लेकिन तब भी हम आपकी शिकायत ले रहे हैं। इसका मतलब ये कि आधिकारिक तौर पर जम्मू पुलिस में किसी भी अधिकारी को नहीं पता कि ये इलाका किसकी ज्यूरिसडिक्शन है। क्या ये गंगियाल थाने के अंदर आता है, क्या ग्रेटर कैलाश चौकी के अंदर आता है, क्या सैनिक कॉलोनी चौकी के अंदर आता है, क्या त्रिकुटा नगर थाने के अंदर आता है, क्या ये नरवाल थाने के अंदर आता है, क्या ये छन्नी हिम्मत थाने के अंदर आता है, ये किसकी ज्यूरिसडिक्शन है, उस ज्यूरिसडिक्शन को लेकर कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर किसी के पास नहीं है। और हैरान, इसका मतलब साफ तौर पर ये कि अगर इस इलाके में आपकी गाड़ी में से आपका सामान चोरी हो जाए, इस इलाके में आपका मोबाइल चोरी हो जाए, इस इलाके में आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, इस इलाके में आपकी गाड़ी का शीशा तोड़कर आपका सामान चोर लेकर चला जाए, तो आपको दिल पर पत्थर रखना है और यहाँ से सीधा पंजाब पुलिस का रुख करना है और पंजाब पुलिस से गुजारिश करनी है कि जनाब जम्मू कश्मीर में एक इलाका है जो इलाका जम्मू पुलिस की किसी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, छोटा सा एक इलाका, एक काम करिए आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन में ले लीजिए, ताकि कम से कम पड़ताल समय पर हो, कोई शिकायतकर्ता शिकायत कर सके। और कमाल की बात तो यह है, जहां आजकल पुलिस के पास इलाके का पूरा मैप होता है, यानी छन्नी हिम्मत थाने में आप जाएंगे पुलिस वालों का पूरा मैप होता है, मैप पर चिन्हित किया होता है कि कौन सा इलाका किसकी ज्यूरिसडिक्शन में है, तो ये इलाका मैप के ऊपर क्यों नहीं? जब ये इलाका गूगल मैप के ऊपर है, तो क्या जम्मू पुलिस को इस इलाके को चिन्हित करके, इसकी ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन करके और बता के कि किस थाने की ये ज्यूरिसडिक्शन है, क्या आम लोगों का काम आसान नहीं करना चाहिए? अच्छा, उसके बाद
सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है, मान लीजिए इस इलाके में अगर कोई मर्डर हो जाए तो पुलिस वाले तो आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे कि जुरिस्डिक्शन किसकी है, क्योंकि अभी तक की आधिकारिक तौर पर यही कि जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं सबको यहां पर एक तख्ती लगा देनी चाहिए, जम्मू पुलिस को तख्ती पर यह लिखना चाहिए सवारी अपने सामान की जिम्मेदार खुद है, हर शख्स अपनी जान का जिम्मेदार खुद है, क्योंकि यह इलाका नो मैन्स लैंड है, इलाका गैर है, हमें पता ही नहीं कि यह इलाका किसका है, हमें पता ही नहीं है जुरिस्डिक्शन किसकी है। चन्नी हिम्मत थाने में अब अगर शिकायत दर्ज की है तो क्या ये पहली शिकायत है जो मीडिया के दबाव में आकर पुलिस ने रजिस्टर की है, या इसके बाद भी अगर इस पावभाजी के स्टॉल के दाएं बाएं कहीं चोरी हो जाए तो क्या बाकी लोगों की शिकायतें भी जम्मू पुलिस दर्ज करेगी, क्या उस मामले में जम्मू पुलिस पड़ताल करेगी? अल्लाह न करे, भगवान न करे, वाहेगुरु न करे कि यहां पे कोई हादसा हो जाए तो उस हादसे का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कैसे करेगी, क्योंकि ये इलाके की जुरिस्डिक्शन तो पता ही नहीं कि किसकी है। अब देखना यह है इस मामले में कब संज्ञान तो पुलिस ने ले लिया है, संज्ञान लेने के बाद छन्नी हिम्मत थाने में शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन क्या जम्मू पुलिस अब आधिकारिक तौर पर बताएगी कि यह ग्रेटर कैलाश चौक जो आहिस्ता आहिस्ता फूड पॉइंट बनता जा रहा है, क्या इस फूड पॉइंट को, इस जगह को, इस इलाके को जम्मू पुलिस इसकी जुरिस्डिक्शन डिफाइन करेगी और बताएगी कि ये किसके तहवील में ये इलाका आता है, किस चौकी के अंदर ये इलाका आता है, ताकि अगर यहां कभी कोई हादसा हो तो आम आदमी को पता हो कि शिकायत लेकर जाना कहां है।